हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव। अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, आरआरबी में, उनको मैं लेकर आया हूँ पुनः आपके सामने। तो आइए चलिए देखते हैं। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे गए हैं, तो एक एक करके इसके प्रश्न और आंसर पूरा डिटेल में विधिवत आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी है, तो ये सबके लिए, जैसे आपका विद्युत उत्पादन निगम में जो बच्चे फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे बोरिंग टेक्नीशियन में फॉर्म भरे हैं उनके भी सिलेबस में ये सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी पढ़ना है। बहुत से बच्चे बोरिंग टेक्नीशियन की अपील करते हैं कि सर अलग से फिजिक्स है, मैथ है, टेक्निकल है, वो सब पढ़ाइए। तो देखिए, टेक्निकल का भी वीडियो पढ़ रहा है, मैथ का भी वीडियो पढ़ रहा है, और आपके जो है विज्ञान यानी साइंस का भी पढ़ रहा है, और वो आपके सिलेबस से मैच कर रहा है। बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस से मैच करता हुआ ही वीडियो डाला जा रहा है। ये ना सोचें कि यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी लिखा है, बोरिंग टेक्नीशियन नहीं लिखा है, तो ये मेरे काम का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके भी सिलेबस से मैच कर रहा है, विद्युत उत्पादन निगम के भी सिलेबस से मैच कर रहा है, अतः आप सभी को जो है पढ़ना है। तो इसे मन लगा कर पढ़िए, खूब ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? तो आप लोगों को परास के लिए एक फार्मूला हमने बताया था कि आर बराबर होता है, रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। यह है फार्मूला। आर रेंज वही है, परास परास को ही आर से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। अब कह रहा है कि वेग को 2 गुना कर दें, जहाँ यू है उसे 2u कर दें। तो जब 2u कर देंगे तो यही हो जाएगा, तब ये आराम से आपका दिखाई देने लगेगा, तब ये हो जाएगा 2u का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। तब देखिए पहले वाले रेंज में अब कितने से गुणा हो गया? 4 से गुणा हो गया। ध्यान से देख लें, इतना मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, ये फार्मूला को देख लें, तो अगर यू का मान जो है, यहाँ से समीकरण नंबर आप इसे 1 मान लें और तब इसे 2u का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4u का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो अब समीकरण नंबर 1 से मान रख दें, तब आपकी नई परास हो जाएगी। नई परास जो हो जाएगी या रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 4 गुणे, और इतने का मान आप देखें, इतने का मान यहाँ पर, इतने का मान जो है आर है, तो आर उठा कर रख दें, तो यानी पहले से 4 गुनी हो जाएगी, यानी परास आंसर हो गया। परास 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ये आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। पहले प्रश्न का आंसर हो गया कि आपकी परास या रेंज जो है 4 गुनी हो जाएगी। रेंज है क्या? जब हम लोग जो है किसी पिंड को या पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो ये जो है धरातल पर ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे होते हुए, ये ऐसे यहाँ जाकर गिरता है, मान लीजिए, तो यही है परास रेंज यानी आर। ये यही है आर का मान, ये आर है।
तो हम लोग ज़्यादातर ये कोण 45 अंश रखते हैं, 45 अंश पर हमको मैक्सिमम रेंज मिलती है। तो 2 थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, साइन 90 का मान अधिकतम 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 अंश। इसलिए हम लोग 45 अंश पर जब फेंकते हैं तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलती है, यानी ये आर का मान, ये दूरी का मान सबसे ज़्यादा मिलता है, इसी को रेंज अथवा परास बोलते हैं। तो वहीं कह रहा है कि यदि प्रारंभिक वेग यहाँ यू से फेंका गया, ये यू से फेंका गया, इस यू को अगर 2 गुना कर दें तब क्या हो जाएगा, तो 2 गुना करने पर परास पहले की 4 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो गया। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, परास 4 गुनी हो जाएगी, इसे भी मिटा देते हैं। ये भी मिटा दिया, पहला क्वेश्चन आपका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कहता है 1 WH में कितने जूल होते हैं, यानी 1 वाट घंटा। WH किसे डिनोट कर रहा है, वाट घंटा को। 1 WH बराबर हो गया 1 वाट गुणे घंटा। इसे वाट आवर पढ़ेंगे, 1 वाट आवर यानी 1, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो वाट गुणे घंटा बराबर हो गया, वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, तो वाट के जगह पर लिखेंगे जूल बटे सेकेंड गुणे, 1 घंटा में हम लोग टाइम को सेकेंड में लेना है, तो 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं, तो हो गया 3600 सेकेंड या 3600 सेकेंड। तो यही देख लें, 1 से गुणा हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो आंसर आ गया बराबर। अगर कहेंगे तो कहेंगे ये आंसर हो गया 3.6 × 10³ गुणे 10³, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, इतना जूल, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, चाहे तो आप कहें सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ये सेकेंड कैंसिल हो गया, अब वाट बराबर जूल बटे सेकेंड होता है, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो आंसर कोई भी बच्चा 3600 जूल लिख सकता है, अथवा 3600 को लिखेगा 3.6, जब यहाँ दशमलव लगा देंगे तो गुणे हो जाएगा 10³ जूल, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किसमें लागू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो हमारा चुंबक होता है उसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि विपरीत पोल में आकर्षण होता है, इसलिए इधर की ओर उत्तरी ध्रुव, अगर मान लीजिए कि इधर की ओर है तो नीचे जो है पृथ्वी का यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, तब इसे उत्तरी ध्रुव को इधर की ओर खींचे हुए है। ऐसे हमारे चुंबक का अगर दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में है तो हमारे पृथ्वी का जो चुंबक है उसका जो है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, तो हमारे पृथ्वी का यहाँ पर कौन सा ध्रुव है, वो उत्तरी ध्रुव है, तब इस दक्षिणी ध्रुव को खींच रहा है। क्लियर हुआ। अगर हम लोग कोई चुंबक ऐसे लेते हैं और हमारा चुंबक जो है यहाँ पर ऐसे, ये चुंबक हमारा जो है ऐसे, ये चुंबक है मान लीजिए,
और यहाँ पर ये इसका नॉर्थ है और इधर ये साउथ है। ऐसे ये चुंबक स्वतः पूर्व लटकाने पर खड़ा हो जाता है। तो होगा क्या कि अगर हमारा पृथ्वी का हम देखें, पृथ्वी ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी का यहाँ पर कौन सा ध्रुव है, तो पृथ्वी का यहाँ पर जो है वो साउथ है और इधर जो है पृथ्वी का नॉर्थ। इसे अगर हम लोग पृथ्वी मान लें, ये पृथ्वी मान लें और ये जो है हमारा चुंबक मान लें, साधारण चुंबक हमारा है, लौह चुंबक है। तो हमारा चुंबक जो उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है और वो चुंबक जो है पृथ्वी का उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल है। क्लियर हो गया। इसी कारण से चूँकि पृथ्वी का ऑलरेडी ये ऐसा है, इसीलिए जब हम कोई भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक ऐसे लटकाते हैं, चाहे जिधर भी घुमाकर छोड़ देते हैं, तो वो ऐसे उत्तर और दक्षिण रुक जाता है और जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है चुंबक का उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस पोजीशन में चुंबक को कौन रोके हुए है, तो वो पृथ्वी का चुंबक रोके हुए है। और पृथ्वी का चुंबक कैसे रोके हुए है, चूँकि इधर हमारे चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ पर नीचे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। क्लियर हो गया। और ऐसे यहाँ पर भी वो हमने यहाँ पर भी आपको चित्र बनाकर समझाया कि ये हमारा मान लीजिए साधारण लौह चुंबक है, ये ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण के दिशा में है, रुका हुआ है। तो इसके माने मतलब कि पृथ्वी का जिधर हमारे लौह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, यानी साउथ पोल है। और जिधर जो है हमारे चुंबक का लौह चुंबक का साउथ पोल है उधर पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। इसलिए विपरीत पोल में आकर्षण होता है और इस कारण से कोई भी हमारा लौह चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव की ओर, देखिए उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है। तो लिख लें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में किस में लागू होता है, तीसरे का आंसर हो गया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में। ये प्रश्न बेटा बार बार पूछा गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो आणविक घड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं। आणविक घड़ी, बहुत छोटे समय को मापने के लिए हम लोग किस घड़ी का प्रयोग करते हैं, आणविक घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का समाप्त हुआ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व अधिक है। साधारण पानी की अपेक्षा समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है। तो लिख लें साधारण पानी की अपेक्षा समुद्री जल का
घनत्व अधिक होता है। इसलिए समुद्री जल कामा उत्क्षेप बल या उत्क्षेप बल, चाहे उत्क्षेप कहिए या उत्क्षेप उत्क्षेप बल कहिए, बल अधिक लगाता है जिससे तैरना आसान हो जाता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक है, जिसका घनत्व जितने ज़्यादा होगा वह उस वस्तु को ऊपर की ओर उतने उछालेगा। तो चूंकि समुद्री जल का घनत्व यानी डेंसिटी अधिक है साधारण जल की अपेक्षा, तो वो जो है हम जल को नीचे की ओर दबाते हैं तो जल हमें ऊपर की ओर उछालता है, उसी को उत्क्षेप बल कहते हैं। तो इस तरह से जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वह उत्क्षेप बल ऊपर की ओर ज़्यादा लगाएगा तो तैरना आसान हो जाता है। इस तरह से नदी या तालाब के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके जल का घनत्व अधिक है और वह मनुष्य के शरीर पर ज़्यादा उत्क्षेप बल या उछाल बल लगाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट बराबर होता है, तो 1000 वाट में 1000 वाट में 1000 हॉर्स पावर होते हैं बेटा, ये होना चाहिए था प्रश्न, थोड़ा सा छूट गया हमें लगता है नोट करने में। 1000 वाट बराबर होता है 1000 हॉर्स पावर। ये होना चाहिए। तो छठा क्वेश्चन है बेटा, हम लोग जानते हैं कि 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, ये हम लोग जानते हैं, या 735, इसलिए 1 वाट बराबर हो जाएगा 1/746 हॉर्स पावर, इसलिए 1000 वाट बराबर हो जाएगा 1 गुणे 1000 ऐसे बेटा बटे 746, इससे भाग देंगे तो 1.34 ऐसे आएगा, 1.341 HP आएगा बेटा, हॉर्स पावर। ये आपका आंसर हो गया, देख लें ऐसे हो गए। अब हम लोग छठा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है तो कच्चा लोहा यानी पिग आयरन। सातवें क्वेश्चन का आंसर देखें, सातवां क्वेश्चन कहता है ब्लास्ट फर्नेस में
तो सातवें का आंसर हो गया बेटा कच्चा लोहा पिग आयरन, PIG, पिग आयरन जिसे कहेंगे कच्चा लोहा। ये भी प्रश्न पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन अयस्क होता है, आयरन का ओर होता है जिसे हिंदी में अयस्क कहेंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। तो इन मैग्नेटाइट हेमेटाइट में 65 से 60% या 70% के बीच में लोहा पाया जाता है, तो उसे हम लोग हॉस्पेट और ये अन्य जगहों पर पाया जाता है। तो वहाँ से लौह अयस्क को जमीन के नीचे से खुदाई करके हम लोग प्राप्त करते हैं और फिर उसे धुलकर साफ करके और थोड़ा उसे तोड़कर, क्योंकि बड़े बड़े चट्टानों मिलता है, उसे तोड़कर टुकड़ों में बना लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें लाइम स्टोन और कोक, इन तीनों को मिलाकर, कौन कौन, हमारा जो मैग्नेटाइट हेमेटाइट लव अयस्क है वह, प्लस लाइम स्टोन प्लस कोक यानी कोयला, इन तीनों को वात्याभट्टी, जिसे आप कहें ब्लास्ट फर्नेस, BLAST, ब्लास्ट फर्नेस या वात्याभट्टी में डाल देते हैं और कोक में आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर पिघलकर उस ओर से हमें पहला जो लोहा प्राप्त होता है, उस पहले लोहे को कच्चा लोहा या अंग्रेजी में पिग आयरन कहते हैं। फिर इसी कच्चे लोहे से हम लोग ढलवा लोहा, पिटवा लोहा बनाते हैं और फिर इन लोहों से हम लोग इस्पात बनाते हैं, माइल्ड स्टील और फिर स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, ये सब इस्पात भी इसी से बनाते हैं। तो सबसे पहले लोहा हम लोग जो है वात्याभट्टी से प्राप्त करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जमीन के नीचे खुदाई करेंगे। लौह अयस्क जो मुख्य अयस्क हैं वो मैग्नेटाइट हेमेटाइट हैं, उनको धुलकर साफ करके लाइम स्टोन और कोक के साथ इसी भट्टी में जो है उन्हें गलाया जाता है और गलाने के बाद जो पहला लोहा प्राप्त होता है वो पिग आयरन अथवा कच्चा लोहा होता है। ये इसका नाम है कच्चा लोहा, अतः इससे उपयोगी सामान नहीं बनाया जा सकता और ना ही वो टिकाऊ होगा। अतः फिर इस कच्चे लोहे से हम लोग ढलवा लोहा बनाते हैं, पिटवा लोहा बनाते हैं, माइल्ड स्टील बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील बनाते हैं और फिर अन्य स्टील बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील है, कोबाल्ट स्टील है, टंगस्टन स्टील है, इस टाइप से बनाते हैं। तो चलिए ये हो गया, सातवां क्वेश्चन भी हो गया, अब हम लोग जो है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है वह कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा बदलने के बाद भी अप्रभावित रहती है, तो वो घनत्व है। चाहे हम जो है 10 ग्राम लें, चाहे 100 ग्राम लें, चाहे 100 किलो लें, जिसका जो घनत्व है वो उतना रहेगा। तो एक वह कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा बदलने के बाद भी अप्रभावित रहती है, तो आठवें का आंसर हो गया बेटा घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी, ये आपका आंसर हो गया। चाहे आप 1 किलो लीजिए, चाहे 1000 किलोग्राम ले लीजिए, मात्रा चाहे जितना, लेकिन सबका घनत्व अलग अलग है, सोने का घनत्व अलग है, चांदी का घनत्व अलग है, लोहे का घनत्व अलग है, चाहे 1 किलो चाहे 100 किलो। अगला है निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर तीनों एक साथ गिराए जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा, तो नौवें का आंसर हो गया तीनों साथ आएंगे। तीनों साथ आएंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों को एक साथ गिराया जा रहा है तो तीनों समान गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर,
के हिसाब से तीनों पर वो समान जो है त्वरण काम करेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण तीनों को समान नीचे की ओर खींचेगा, अतः तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इनकी गति जो होगी वो समान गुरुत्वीय त्वरण 9.8, वो लोहे को भी खींचेगा, कागज को भी उतने तेजी से खींचेगा और उतने तेजी से पत्थर को भी नीचे की ओर बढ़ाएगा, अतः तीनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल, इसका नाम है सेकेंड लोलक, तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल जो है 2 सेकेंड होता है। ये आंसर बहुत बार पूछा गया है, ये करीब 1,00,000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड लोलक, ये जो हम लोग 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है, ये आपका आंसर हो गया। उसका नाम है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड। 1 माइक्रोमीटर में कितने cm होते हैं, 11वां क्वेश्चन, तो 11वां देख लें। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10^-6 मीटर, बराबर हो गया, अगर इसी को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, बराबर हो गया 10^-6 × 100, ये हो गया सेंटीमीटर। 100 का मतलब हो गया, बराबर हो गया 10^-4, ये हो गया सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ गया, ये हो गया आपका आंसर। 11वें क्वेश्चन का भी ये आंसर हो गया। अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो 12वां का आंसर हो गया पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी पराबैंगनी किरणों से, ये आपका आंसर हो गया। पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पराबैंगनी किरणों से ओजोन जो होता है, ओजोन परत जो है वो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से कितने ऊंचाई पर है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के रेंज में जो है ओजोन वहाँ पर है, और वो ओजोन की जो परत है वो सूर्य से निकलने वाली, सूर्य में 2 किरणें हानिकारक निकलती हैं, एक पराबैंगनी किरणें जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट कहते हैं, और एक अवरक्त विकिरण निकलती है जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये दोनों किरणें बहुत तेज़ी से निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट को हम लोग जो है, अल्ट्रावायलेट को हम लोग पराबैंगनी कहते हैं और इंफ्रारेड को अवरक्त विकिरण कहते हैं, ये दोनों निकलती हैं और दोनों मनुष्य को हानि पहुंचाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से मत देखिए और बहुत मोटे काले चश्मे लगाकर देखिए, इस टाइप से अपील की जाती है। तो ये वेल्डिंग में भी, जो हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं उस वेल्डिंग में भी ये दोनों किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी भी निकलती है और इंफ्रारेड भी निकलती है, और ये मनुष्य को प्रभावित करती हैं, आँखों को भी प्रभावित करती हैं, और ये पराबैंगनी किरण त्वचा को प्रभावित करती है, स्किन कैंसर और स्किन को डैमेज करती है, ऐसे स्किन कैंसर को बढ़ावा देती है। तो इस तरह से ओजोन परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जितनी किरणें हैं, जो हमारे लिए, मानव के लिए नहीं, हर जीव जंतु के लिए हानिकारक है, वो उनके स्किन को प्रभावित करती है, तो वो हमारी ओजोन की जो परत है
वो उन्हें अवशोषित कर लेती है और फिर वहाँ से बाहर थोड़ी मोड़ी जो अल्ट्रावायलेट किरणें या रेडिएशन जो वहाँ से निकल कर आता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, वो हम लोगों को प्रभावित करता है। और इसी ओजोन परत जो हमारी डैमेज हो रही है, उसमें क्षति हो रही है, उसी को बचाने के लिए सरकार जो वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने के लिए, जैसे हम लोग क्या है कि पेट्रोल दिन भर जला रहे हैं, डीजल दिन भर जला रहे हैं, लकड़ी कोयला जला रहे हैं, फैक्ट्री कारखानों से तमाम धुएं का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अन्य जितने भी गैसें हैं, ये सब वायुमंडल में जा रही हैं और ये ओजोन परत को डैमेज कर रही हैं, तो पूरा विश्व इससे चिंतित है। तो इसलिए ओजोन परत को हम लोगों को संभाल कर रखना है, उन्हें बचा कर रखना है, ताकि वो हमारे लिए जितनी भी ये हानिकारक परावैगनी विकिरण आ रही हैं उनसे हमारी रक्षा कर सकें। अगला है 13वां क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है, हिमपात होता है जब, तो जब हवा का ओस बिंदु हिमांक से कम हो। इसका आंसर हो गया, जब हवा का ओस बिंदु, ओस या ओसांक बिंदु भी आप कह सकते हैं, ओस बिंदु हिमांक से कम हो, हिमांक से कम हो। अगला क्वेश्चन 14वां कहता है, किसी लोलक की लंबाई को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए मिटा देते हैं, फिर 14वां क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड में 14वां क्वेश्चन आपका हल होगा। अभी आप देखिए, चौदहवा क्वेश्चन, आवर्तकाल T1 बराबर 2π करणी में L1 बटे G ऐसे हो गया, और ऐसे ही आवर्तकाल T2 बराबर हो गया 2π करणी में, ऐसे कर दीजिए, और फिर हो गया L2 बटे G। अब आप देखेंगे, अगर भाग दें T1 बटे T2 करें और यहाँ पर ऐसे करें तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा T1 बटे T2 बराबर करणी में ऐसे करणी बड़ी से लगा देते हैं, L1 बटे L2 ऐसे हो जाएगा। देखिए ना, सब ये इससे कैंसिल, ये जी से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल L1 करणी में L1 बटे L2, और ये जो है आवर्तकाल ही पूछ रहा है। पहले मान लीजिए L1 100% है, तो करणी में हो गया 100 और बटे 44% बढ़ा दिया गया तो हो जाएगा 144, ऐसे हो जाएगा। प्रश्नानुसार आप लिखेंगे, मान लिया कि पहले लंबाई जो है 100 मीटर थी और उसमें 44% की वृद्धि कर दी गई, तो अब नई लंबाई L2 जो हो गई वो 144 हो गई। अब इनका बराबर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे 12 बराबर 144, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा। आवर्तकाल T1 जो है 10 है और T2 आवर्तकाल 12 है, तो कितने की वृद्धि हो गई, 10 में 2 की वृद्धि हो गई। तो लिखेंगे आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि, देख लें बेटा, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो गया 2 की वृद्धि हो गई, कितने में, 10 में, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। वे हो गया 10 दहा में 100, 10 दूना 20,
तो हो गया 20% की वृद्धि, यही आपका आंसर आ गया। ये हो गया आंसर। देखिए एक लाइन में ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। मान लेंगे कि पहले लंबाई जो है 100 मीटर थी, अब उसमें 44% की वृद्धि कर दी गई तो लंबाई हो जाएगी 144। तो ऐसे हो गया। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन इधर के ख़त्म हो गए। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टीवी का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया। वैज्ञानिक का नाम है जे एल बेयर्ड। ये आपका आंसर हो गया, टीवी का आविष्कार इन्होंने ही किया था। 16वां क्वेश्चन, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने। मार्कोनी ने जो है रेडियो का भी, तो लिख लें मार्कोनी। ये आपका आंसर हो गया। 16वें का, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो जान कैपलर या कैपलर ने। 17वां हो गया कैपलर। कैपलर अथवा जान कैपलर, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, कैपलर ने दिया। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, ये क्वेश्चन 18वां हम लोग देख रहे हैं। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है बेटा केंद्र की ओर, इसलिए उसका नाम पड़ा अभिकेंद्र। तो लिख लें केंद्र की ओर, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश, ये आपका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन कहता है, चलिए मिटा देते हैं, यहाँ ऊपर से देखते हैं 19वां क्वेश्चन। एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो वह 10 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो प्रारंभिक वेग बताइए। चूंकि ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस तरह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग भी बराबर 0 हो जाएगा। आप जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर अंतिम वेग भी बराबर 0 होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग पूछ रहा है तो हम लोग लिखेंगे, फार्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये फार्मूला लगाएंगे क्योंकि जब ऊपर की ओर पिंड जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण g माइनस हो जाएगा, तो फार्मूले में यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि पिंड ऊपर जा रहा है 10 मीटर की ऊंचाई तक, तो अंतिम वेग v का मान 0 हो जाएगा मैक्सिमम ऊंचाई पर। तो लिखेंगे यू स्क्वायर माइनस 2gh, और यहाँ पर जो है यू स्क्वायर बराबर अगली लाइन में लिखेंगे तो अगली लाइन में जाएगा यू स्क्वायर बराबर 2 × 9.8 × 10। तो देख लें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधे 10 से गुणा करेंगे 98 हो जाएगा, 98 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 16, 9 × 18, 1 × 19, 196 हो गया बराबर यू स्क्वायर
इसलिए u बराबर हो गया करणी में 196 बराबर हो गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। प्रारंभिक वेग u का मान था 14 मीटर, इसका आंसर आ गया 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। अगला, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए 20वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर, उपकरण का नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर 20वें का आंसर हो गया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई या गहराई, मापते हैं। ये आपका आंसर हो गया। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? 21वां क्वेश्चन कहता है 100 वाट तथा 500 वाट के बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? चलिए मिटा देते हैं। हम लोग जानते हैं पावर पी बराबर होता है, होता क्वेश्चन है 21वां, 21वां क्वेश्चन है पावर पी बराबर होता है, पावर पी बराबर वी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगा दें पावर पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर से। पावर एक का तो आर बराबर यहीं से अगर ले लें तो देखें R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, ऐसे हो जाएगा R बराबर हो जाएगा। पक्षांतर करें, यहाँ से इसे ले लें और इधर A ले लें, बराबर कर दें तो हो जाएगा R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई P। और एक बार जो है अगर पहली बार R1 लें 100 वाट के लिए तो हो जाएगा R1 बराबर वी स्क्वायर बाई 100, और ऐसे ही आर टू बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 500। उसकी पावर कितनी है? 500। दोनों में भाग दे दें, अनुपात पूछ रहा है ऐसे भाग दे दें। तो अगली लाइन में यही बराबर देखिए पलट जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटे 100, और ये इतना जो है ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 500 बटे वी स्क्वायर। ये देखिए कट गया, बराबर हो गया 5/1 बराबर 5:1, यही आंसर हो गया। उनके प्रतिरोधों का अनुपात 5:1 हो जाएगा। 100 वाट था 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? यदि वोल्टेज समान है तो दोनों का वोल्टेज भी से भी कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, वोल्टेज समान है, ऊपर 500 नीचे 100 तो हो गया 5/1 बराबर 5:1। तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात आएगा 5:1, ये आंसर हो गया। अब हम लोग 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया तो धरातल तक पहुंचने में लगा समय। अभी आपने पढ़ा कि मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने में वेग, अंतिम वेग भी का मान शून्य हो जाता है, और इस वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया तो जाने में समय जितना लगता है उतना आने में समय लगता है। हम लोग आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताए हैं कि जितना किसी भी पिंड को फेंकें तो वो पिंड जितना चाहे जिस भी वेग से फेंकें और चाहे जिस भी ऊंचाई तक हो जाए
तो जाने में जितना समय लगेगा वापस लौटने में भी उतना ही समय लगता है। और जिस बेग से फेंके हैं वापस जब लौट कर आएगा तो फिर वही बेग लास्ट में यहाँ ज़मीन पर आते आते प्राप्त हो जाता है। तो अंतिम बेग v का मान शून्य है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के बेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया, तो हम लोग लिखेंगे वी बराबर समय, तो वी माइनस ये जी टी लिख देते हैं, ये फार्मूला चूंकि ऊपर फेंक रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा बेटा, और जी और टाइम ही पूछ रहा है कितना, तो हम लोग वी बराबर यू माइनस जी टी वाला फार्मूला लगा दें, या एटी वाला, एटी के जगह पर अब जी टी हो जाएगा, तो भी अंतिम वेग शून्य हो जाएगा और यू जो है 9.8 है के वेग से फेंका है माइनस 9.8 टी हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा, अगली लाइन हो जाएगा 9.8 टी बराबर 9.8 ऐसे हो गया, इसको इधर कर दें इसलिए t बराबर हो जाएगा 9.8 अपॉन 9.8 बराबर भाग 1 सेकेंड आया। अब 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा और 1 सेकेंड नीचे आने में, जाने का समय प्लस आने का समय, ये हो गया आपका कुल समय। कुल समय पिंड को ऊपर जाने का और फिर वापस पृथ्वी पर लौट कर आने का कुल समय हो जाएगा जाने का समय प्लस आने का समय। और अभी आपको बताया कि जितना जाने में समय लगता है उतना आने में भी समय लगता है, बराबर 1 सेकेंड जाने में भी लगेगा और 1 सेकेंड आने में भी लगेगा, तो आंसर हो गया 2 सेकेंड, यही हो गया आंसर 2 सेकेंड। क्लियर हो गया, ये 22वां क्वेश्चन। अब हम लोग 23वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एएसएम गुड्स गार्ड में पूछा हुआ प्रश्न था इसलिए हम लोगों ने उसे उठा लिया, ले लिया। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, 23वां क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कराए, अब मान लीजिए k डैश हो गया तो k डैश बराबर हो जाएगा हाफ m, और भी जो है 3 गुना कर दिया जाए, आपके प्रश्न में दिया है कि वेग को 3 गुना कर दें तो लिखेंगे 3v² ऐसे कर दें, बराबर हो जाएगा k डैश बराबर हो जाएगा हाफ mv² गुणे 9, 3 × 9। अब आप देखें इसलिए k डैश बराबर अगर यहाँ से मान उठा कर रखें तो इतने हाफ mv² और ये भी है हाफ mv² बराबर k है, तो यहाँ पर हो गया k गुणे 9, यानी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। अतः नई गतिज ऊर्जा पहले के है और नई वाली ये है, तो नई गतिज ऊर्जा पहले की 9 गुना
हो जाएगी। ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? परम दाब होता है। तो परम दाब होता है बेटा गेज दाब प्लस वायुमंडली दाब। परम दाब पूरा लिख देते हैं, परम दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब या ऐसे भी कह सकते हैं परम दाब बराबर गेज दाब प्लस 1 बार। वायुमंडलीय दाब लगभग 1 बार के बराबर भी होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। कहीं विकल्प अगर ऐसे दिया है तो ये भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है एक फेमटो में कितने मीटर होते हैं? 25वां क्वेश्चन। एक फेमटो में 10 के घाते -15 मीटर होते हैं। ये आपका आंसर हो गया 25वें का। एक फेमटो बराबर 10 के घाते -15 मीटर। यह आपका जो है 25वां क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहे वो सब समाप्त हुए। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, एक अच्छी नोट्स बनाऊँ। और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएँ। धन्यवाद।